स्टार्ट करते हैं। तो नाउ वी स्टार्ट टुडेज क्लास। और आज हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं कि अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार है, उसके शीशे पे दो वाइपर्स हैं। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको विजुलाइज कीजिए। एक ब्लेड आपका ये है, लेट्स से ये ब्लेड है। अब ये ब्लेड क्या हो रहा है, ये स्वीप कर रहा है, ये ऐसे स्वीप कर रहा है। तो यहाँ पे कैसे आ गए, यहाँ पे आ गए। ये एंगल कितना है, 120 डिग्री। ऐसे ही दूसरा ब्लेड है, वो क्या होगा, वो भी ऐसे होगा और वो भी स्वीप करेगा 120 डिग्री से। ये स्वीप करेगा एरिया ये वाला, और ये ब्लेड करेगा ये वाला एरिया। तो ही सेज फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। अगर एक बार ये और ये करे तो टोटल एरिया वो लोग कितना स्वीप करेंगे। तो ये कौन सा फिगर बन रहा है, दिस इज अ सेक्टर। ये तो एक सेक्टर है, जो लेंथ ऑफ ब्लेड है वो 21 है, ये आपका रेडियस हो गया। तो रेडियस हो गया 21 सेंटीमीटर, एंगल इज 120 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा लें, एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो एक सेक्टर का एरिया है, ऐसे हमारे पास दो वाइपर्स हैं, तो टोटल एरिया स्वेप्ट वुड बी, टोटल एरिया स्वेप्ट वुड बी टू टाइम्स ऑफ दिस, 2 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें थीटा क्या है, 120 डिग्री, और आर क्या है, 21 सेंटीमीटर। बस प्लग इन कर देंगे हम ये वैल्यूज, ठीक है। अगर 2 इंटू 120 बाई 360 इंटू पाई दे नहीं रखा, यानी हम 22 बाई 7 ले लें, 21 इंटू 21। अब इसे सॉल्व करें, 120 वन जा 120 थ्री जा 7 वन जा 7 थ्री जा 3 से 3 कैंसिल, तो यू हैव 44 इंटू 21। तो 21 फोर जा 84, 21 फोर जा 84 एंड 8 92, यानी दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया दैट इज बीइंग कवर्ड बाय बोथ द ब्लेड्स। क्लास ये समझ में आया? यस। तो नेक्स्ट इज, अब देखिए, एक टू वॉर्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। जो समुद्र होता है उसमें जो अंदर आइसबर्ग्स होते हैं या पत्थर होते हैं, उनसे शिप्स को बचाने के लिए क्या होता है, जो लाइट हाउस होता है जो आपके बीच पे लगा होता है, लेट्स से दिस इज योर लाइट हाउस। तो वो लाइट हाउस क्या करता है, वो रोशनी फेंकता है, लाइट थ्रो करता है सी में, जिससे लोगों को वो शिप्स को दिखाई दे कि कोई रॉक तो नहीं सामने है। तो कैसे वो शो वो करता है, जो लाइट होती है वो ऐसे जाती है, ऐसे स्वीप करता है वो, ठीक है। तो अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 72 डिग्री। 72 डिग्री का एक एंगल बना के एक सेक्टर फॉर्म करता है, एंड एट टू अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। मतलब वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 15 किलोमीटर तक लाइट थ्रो कर सकता है। ये आपका क्या बन जाएगा, ये तो आपका रेडियस बन जाएगा। एंड फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वॉर्न्ड। कितनी दूरी तक शिप्स को वो वॉर्न कर सकता है, तो जितना ये एरिया स्वीप करेगा उतना ही एरिया वो सी में बता पाएगा कहाँ पे वार्निंग है। तो ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, ये तो सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर वुड बी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर इस केस में क्या है, 15 किलोमीटर, एंड थीटा इस केस में क्या है, 72 डिग्री। तो हम प्लग इन कर दें वैल्यू, 72 अपॉन 360 इंटू 22, पाई की जगह अब इस बार हमें 3.14 रखना है, इंटू आर स्क्वायर 15 इंटू 15, ठीक है। तो ये हो गया 72 फाइव जा 5 वन जा 5 थ्री जा, तो 3.14 इंटू 45, तो 45 फोर जा 180, 45 वन जा 45, 55 65 63, 45 थ्री जा 135, 141, और दो के बाद डेसिमल, यानी दिस मच किलोमीटर स्क्वायर। इतना एरिया जो है, इतने एरिया तक वो लाइट वॉर्न कर सकती है शिप्स को अगेंस्ट डेंजर। ये चीज क्लियर हुई क्लास? फाइंड द एरिया बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। अब देखिए, ये आपका छाता है, छाता में ये आपकी क्या होती है, जो बीच में लोहे की डंडियां लगी होती है उन्हें रिब्स कहते हैं। तो ऐसी आठ रिब्स हैं, ये आठ रिब्स हैं,
ये आपका थ्री डायमेंशनल फिगर है, तो वो कह रहा है कि अगर इसको हम ओपन कर दें तो एक बिल्कुल सर्कुलर फ्लैट सरफेस बन जाता है और इस तरीके की शेप निकल के आती है, दिस शेप। तो कह रहा है कि जो दो रिब्स के बीच का एरिया वो क्या है, तो एक रिब ये है, एक रिब ये है, तो एरिया तो ये वाला हुआ एंड दिस इज वॉट, ये शेप वाइज तो सेक्टर है, तो हमें बेसिकली सेक्टर का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर वुड बी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब उसने कहा रेडियस ऑफ द रिब्स तो दे रखा है 42, तो रेडियस तो हमको पता लग गया 42। नाउ व्हाट इज द एंगल, अब एंगल देखिए पूरा 360 कवर करें उसको कितने भाग में डिवाइड किया है, 8 पार्ट्स में, तो इक्वल एंगल्स होंगे हर जगह, तो थीटा वुड बी 360 बाय 8, हर सेक्टर का जो एरिया एंगल निकलेगा वो क्या होगा, 8 वन जा 8 फोर जा 32, 8 फाइव जा 40, 45 डिग्री बना रहा है एक सेक्टर, तो हमें थीटा भी पता लग गया। तो अब हम क्या करेंगे, 45 अपॉन 360 इंटू पाई नहीं दे रखा तो 22 बाय 7 इंटू रेडियस इज 42 इंटू 42, तो 45 वन जा 45 एट जा 7 वन जा 7 सिक्स जा 2 फोर जा 2 11 जा 2 टू जा 2 थ्री जा 2 वन जा 2 21 जा, तो 11 इंटू 63 तो ये आ जाएगा 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा एरिया ऑफ वन सेक्टर, मतलब खाली दो रिब्स के बीच का एरिया, ये वाला ये एरिया आ जाएगा, दिस इज 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर टोटल एरिया पूछेगा वो, टोटल एरिया तो इंटू 8, टोटल एरिया वुड बी 693 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन उसने सिर्फ हमें दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स का पूछा है तो इसलिए हमें एक ही सेक्टर का एरिया बता रहा है। क्लास ये समझ में आया, ये जनरल फॉर्मूला है ना। अब कह रहा है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। एक हमारे पास स्क्वायर शेप्ड का ग्रास फील्ड है, लेट्स से दिस इज योर ग्रास फील्ड, स्क्वायर शेप्ड है, और इसके एक एंड पे एक हॉर्स को हमने टाई कर रखा है, लेट्स से दिस पॉइंट पे। अब इसको टाई करा है और इसका साइड की लेंथ है 15 मीटर्स, तो ऑब्वियसली स्क्वायर है तो दोनों साइड 15 होंगे, एंड विद अ 5 मीटर लॉन्ग रोप, और उस घोड़े को हमने 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध रखा है, लेट्स से ये लेंथ है रोप की, यहाँ पे आपका लेट्स से ये हॉर्स है। अब जो हॉर्स का मूवमेंट है, कीपिंग द रोप टाइट, अगर रोप को हम टाइट रखें तो हॉर्स कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, तो इसका मतलब यहां से यहां तक जा सकता है वो, तो दिस ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, और क्योंकि स्क्वायर है तो ये एंगल 90 होगा, तो यानी उसने क्या कवर किया, उसने सेक्टर तो कवर किया लेकिन एक्चुअली एक क्वाड्रेंट कर दिया, दिस वुड बी अ क्वाड्रेंट, ये एक क्वाड्रेंट होगा, और क्वाड्रेंट का उसने पूछा है फर्स्ट पार्ट द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस, अब जितने में वो मूव कर पाएगा उतने ही को वो ग्रेस भी कर पाएगा, तो कितना एरिया कर पाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। वैसे तो आप इसको सेक्टर भी समझ सकते हैं, तो उसमें 90 ले लीजिए, बस बात तो वही पड़ेगी, तो वैसे ले लीजिए थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इज 3.14 इंटू रेडियस क्या है 5 इंटू 5, तो 91 जा 94 जा एंड 22 जा 21.57, तो दिस गिव्स यू, प्लीज म्यूट होइए आवाज बहुत आ रही है, ठीक है, 25 इंटू 1.57 डिवाइडेड बाय 2, तो 25 7 जा 175, 25 5 जा 125, 142, 25 1 जा 25 एंड 4 39 बाय 2, ये आ जाएगा 2 1 जा 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, तो 19.625 मीटर्स, दिस मच एरिया ही कैन ग्रेस अगर अपनी रोप को वो टाइट रखता है। ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकेंड पार्ट ये कहता है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप इज नॉट 10 मीटर्स इंस्टेड ऑफ 5 मीटर्स। अब अगर हम रोप बढ़ा दें, रोप की लेंथ हम बढ़ा दें 10 मीटर कर दी, तो 10 मीटर है तो वो यहां तक कवर कर पाएगा, ये तो कह रहा है वो एक्स्ट्रा एरिया कितना कवर कर पाएगा, तो ठीक है अब हम 10 मीटर के हिसाब से एरिया निकाल देंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एरिया ग्रेज्ड व्हेन रोप इज 10 मीटर्स, व्हेन रोप इज 10 मीटर्स, इस बार एरिया क्या होगा 90 अभी भी रहेगा 90 बाय 360 3.14 इंटू 10 इंटू 10, तो 91 जा 94 जा 22 जा 21.57, 21 जा 25 जा,
यानी 50 × 1.57। तो एक जीरो ले आए, 5 7 35, 5 25 28, 2 5 5 and 2 7। तो अब एरिया कितना कवर कर रहा है, 78.50 m². तो एक्स्ट्रा एरिया कितना हुआ, एक्स्ट्रा एरिया वुड बी डिफरेंस ऑफ द टू, पहले कर रहा था इतना, अब वो इतना एरिया कवर कर रहा है। तो 78.5 − 19.625, दो जीरोस लगा दीजिए, 5 10 9 में से 2 गया 7, 14 14 में 6 गया 8, 7 17 में से 9 गया 8, और 6 में से 5 गया। यानी इतना मीटर स्क्वायर इज द एक्स्ट्रा एरिया जो हॉर्स ग्रेज कर रहा है जब उसकी रोप 5 से 10 मीटर कर दी है। क्लास ये समझ में आया? एक फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं कि अब ब्रोच, ब्रोच मतलब कड़ा, इज मेड बाय सिल्वर वायर, एक हमने कड़ा बनाया है सिल्वर वायर से, इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। जो ये ब्रोच है इसका डायमीटर इज 35 mm, तो सबसे पहले तो हम इसका रेडियस के टर्म्स में लिख लें, 35/2 mm, जिससे हमसे गलती ना हो। नेक्स्ट, द वायर इज ऑल्सो यूज टू मेक 5 diameters विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 equal sectors as shown। जो तार है वो खाली बाउंड्री नहीं बना रहे हैं, उससे ये डायमीटर्स भी बना रहे हैं, ये 5 diameters भी हमने बनाए। ये 5 diameters इसको 10 parts में डिवाइड कर रहे हैं और इक्वल सेक्टर्स है। तो अगर कोई एंगल पूछे तो आप बोलोगे 360/10, यानी हर सेक्टर का एंगल कितना है, 36 degree, ईच एंगल इज 36 degree। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो जो टोटल लेंथ है वो तो बाहर की सर्कमफ्रेंस बनाने में और 5 diameters बनाने में लगी। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर वुड बी वॉट, 5 diameters यानी 5 × diameter प्लस सर्कमफ्रेंस 2πr, और जो डायमीटर है उसको हम 2 × r लिख सकते हैं बिकॉज डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, प्लस 2πr। अब रेडियस क्या दिया है इन्होंने, 35/2, यहाँ डायमीटर अगर रखना चाहें तो स्ट्रेट अवे रख ही दीजिए, 5 × 35 प्लस 2 × π रख लिया, 22/7, रेडियस इज 35/2। तो टोटल लेंथ ऑफ द वायर दैट इज बीइंग यूज्ड इज 7 × 1 = 7, 5 × 2 = 2 चला गया, 110 प्लस 5 × 5 = 25 और 175, तो कितना आ गया, 285 cm। यानी तार की कुल लंबान जो जरूरत है वो, हाँ 22 × 110, ठीक है 285 आ गया। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ईच ब्रोच, अब हर सेक्टर का एरिया कितना है ये, तो सेक्टर का एंगल तो हमने निकाल ही लिया, 10 पार्ट्स में डिवाइड किया था टोटल एंगल को, 360 को 10 से डिवाइड किया, तो हर सेक्टर का एंगल क्या है, 36 degree। एंड एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 × π r². तो थीटा भी पता है, r भी पता है मुझे, तो थीटा क्या है, 36 upon 360 × 22/7, रेडियस कितना है, 35/2, एंड यहाँ पे mm होगा क्योंकि सब mm में दिया था, 35/2। तो 1 × 10 = 7 × 7 = 5 × 5 × 5 = 2 × 2 × 2 = 11 × ये कितना आ जाएगा, 385/4 cm². अगर आप इसे डेसिमल में बदलें तो 9 × 36 = 64 × this much mm होगा, ये mm² दिस इज mm². तो ईच सेक्टर का एरिया भी हमने बता दिया, अगर वो टोटल ब्रॉच का एरिया पूछता तो इंटू 10 कर देंगे क्योंकि 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो टोटल एरिया ऑफ ब्रॉच, टोटल एरिया ऑफ ब्रॉच कितना हो जाएगा, 96.25 × 10, विच इज 962.5 mm². क्लास ये समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 equal designs। अब आप कहेंगे डिजाइन क्या है, डिजाइन ये वाला पोर्शन है, ये वाला 6 equal designs, ये designs हैं, ठीक है, तो ऐसी 6 designs हैं,
क्योंकि हेक्सागन बना हुआ है, दीज आर योर डिजाइन्स, ठीक है। तो ही सेज एज शोन इन द फिगर, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28, तो मतलब ये रेडियस कितना दे दिया इन्होंने, 28, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और रूट थ्री को हमें यूज करना है 1.7, ठीक है। तो अगर आप इसको, इस पीस को काट के देखें, तो एक तरीके से आपके सामने ये बना हुआ है, दिस थिंग, ये अगर एक पोर्शन को अगर आप देखें, तो ये तो आपके लिए, ये जो एरिया जो आपको निकालना है, बेसिकली एक सेगमेंट है, ये तो एक सेगमेंट है। तो सेगमेंट का बेसिकली हमें एरिया निकाल के उसको 6 टाइम्स करना है, क्योंकि कितने सेगमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो यानी टोटल एरिया ऑफ द डिजाइन, टोटल एरिया ऑफ डिजाइन क्या हो गया, 6 × एरिया ऑफ वन सेगमेंट, एरिया ऑफ वन सेगमेंट। अब 6 × सेगमेंट का एरिया क्या होता था, थीटा अपॉन 360 × पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब बस हमको आर तो पता है, हमको सिर्फ थीटा नहीं मालूम, तो अगेन वही कॉन्सेप्ट, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 6 पार्ट्स में, तो 360/6, तो विच गिव्स यू 60 डिग्री, यानी थीटा हमारा हो गया 60 डिग्री। अब हमें प्लग इन करनी है टोटल एरिया के लिए, तो 6 × 60/360 × पाई की वैल्यू नहीं बोली है, तो 22/7, रेडियस इज गिवन टू बी 28 × 28 माइनस हाफ 28 × 28 × sin 60 की वैल्यू √3/2। चेक करिए क्लास, 1 ज़ा 6 ज़ा, 7 1 ज़ा 7 4 ज़ा, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो अब आपका आएगा 44 × 28/3 माइनस यहाँ से भी 2 2 ज़ा 4 7 ज़ा 28, 7 × 28 √3 = 1.7 × 6। अब देखिए 28 कॉमन है, उसको मैं ब्रैकेट के बाहर ले जा रहा हूँ, 44/3 माइनस 7 × दिस इज 11.9, और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 × 28 × 3 टाइम्स करेंगे तो 44 − 33, 35.7 अपॉन 3, तो ये सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा 36, 8.3 अपॉन 3 × 6 × 28, तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो दिस गिव्स यू 56 × 8.3, तो 56 × 8.3 कर लेते हैं, दिस वुड बी 168, 8 6 ज़ा 48, 8 5 ज़ा 40, 44, 8 8 6 14, 6 4, और एक के बाद डेसिमल लगेगा, तो कितना आ गया, 464.8 सेंटीमीटर है, क्या है, यस सेंटीमीटर है, तो दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल एरिया ऑफ द डिजाइन है। अब टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, मल्टीप्लाई कर दें, टोटल कॉस्ट वुड बी 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमारे पास इतने सेंटीमीटर है स्क्वायर है, 464.8, तो आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 ज़ीरो, ये 1 ज़ीरो, तो सिंपली हमें करना है 4648 × 35, 5 8 ज़ा 40, 5 4 ज़ा 20, 22, 4 5 6 ज़ा 30, 32, 5 4 ज़ा 20 and 3 23, and 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12 to 14, 3 6 ज़ा 18 1 19, 3 4 ज़ा 12 1 13, तो कितना आ गया, 0 8 6 2 6 1, और दिस इज 162,680/1, 2, 3, तो 162.68 रुपीज। चेक कर लीजिए क्लास, अगर कोई गलती हो तो, मोस्ट प्रॉब्ली सही होना चाहिए। तो इसमें हमने क्या किया, बेसिकली सेगमेंट का एक एरिया निकाल लिया, हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमसे कौन सा एरिया निकलवा रहा है, सेक्टर का कि सेगमेंट का, तो इस केस में सेगमेंट है, तो सेगमेंट का एरिया निकाला, और ऐसे हमारे पास 6 सेगमेंट्स हैं, तो 6 सेगमेंट्स का एरिया निकाल के उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया का कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लास ये समझ में आया, ठीक, तो वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन इज
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर काउज आर टीथर्ड, मतलब खूंटे से बंधी हुई है. फोर काउज आर टीथर्ड एट फोर कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 50 meters. ठीक है, सच दैट each can graze the maximum unshared area. ठीक है, what will be the area left ungrazed. अब इस क्वेश्चन को पहले हम लोग समझते हैं, फिर इस पे वर्क करेंगे. पाई को 3.14 लेना है. ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है. लेट से बी ड्रॉ स्क्वायर फील्ड. ध्यान दीजिएगा, ये एक स्क्वायर फील्ड है, दिस इज योर स्क्वायर फील्ड, और इसके चार कोनों पे हमने चार काउस को खूंटे से बांध रखा है. लेट से दिस. अब वो ये कह रहा है, और इनके साइड दे रखी है 50 meters, ये भी 50 meters है, ये भी 50 meters है. देन ही सेज वो उनकी रस्सी कितनी बड़ी हो कि वो मैक्सिमम एरिया ग्रेज कर लें विदाउट शेयरिंग. मैक्सिमम अनशेयर्ड एरिया मतलब जो गाय, लेट से मैंने कहा ये लेंथ है, ये ऐसे उसने शेयर किया, तो दूसरी गाय भी क्या हो, मैक्सिमम एरिया शेयर करे पर, मतलब ग्रेज करे पर शेयर नहीं होना चाहिए. तो वो कैसे शेयर करेगी, ऐसे हो जाए, मैक्सिमम एरिया यही हो सकता है. तो पहली गाय ने ये एरिया ग्रेस किया, दूसरी ने ये ग्रेस किया, तीसरी ने ये ग्रेस किया, चौथी ने ये ग्रेस किया, पर शर्त ये कि एक दूसरे का एरिया ओवरलैप नहीं होना चाहिए. तो ऑब्वियसली अब आपको दिख गया होगा कि वो किस तरीके से करें, जो लेंथ ऑफ रोप है वो क्या हो जाए, 25 25 25 हो जाए. ये क्या होगा, थ्रू आउट जो है मैक्सिमम एरिया भी ग्रेस कर लेंगे और ओवरलैप भी नहीं करेंगे ये लोग. आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया. दिस वुड बी द मैक्सिमम एरिया दैट दे कैन ग्रेस. हाँ सेक्टर जुड़ नहीं रहे, वो कह रहा है मैक्सिमम एरिया वो ग्रेस करे. तो मैक्सिमम एरिया क्या होगा, टच कर जाए, बस टच कर जाएंगे. ये एरिया पहले वाले ने ग्रेस किया तो अपना सेक्टर का एरिया ही वो कर पाएगा. दूसरा भी क्या हो, एकदम इसी पॉइंट से टच करता हुआ निकल जाए पर ओवरलैप ना करे. ओवरलैप का मतलब होता है जिस एरिया पे उसने ग्रेस किया उस पर वो भी करे, वो नहीं हो रहा, बस छू के निकल रहा है. टच बाउंड्री कंडीशन, ये ऐसे निकल गया, ये ऐसे निकल गया. ठीक है, तो 25 25 मीटर होगा तभी आधी आधी लेंथ ले लें दोनों जन. तो इसका मतलब सिंपली आपको क्या पता लग गया, रेडियस इज 25 meters एंड एंगल तो ऑब्वियसली 90 degree है. ये तो क्या बन गए, क्वाड्रेंट्स बन गए आपके. तो व्हाट इज द एरिया दैट इज लेफ्ट अनग्रेज्ड वुड बी द टोटल एरिया. हम निकाल लें, टोटल एरिया इज एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 times एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट, क्योंकि चारों ही काउज ने अपना अपना क्वाड्रेंट क्लियर किया होगा और सबकी लेंथ 25 है, सबकी रेडियस 25 है. तो एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के उसको 4 times कर दें, 1 2 3 4, किस में से माइनस कर दें, टोटल एरिया में से. एंड टोटल एरिया इज व्हाट, ए स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 into, यू कैन यूज थीटा अपॉन 360 into पाई आर स्क्वायर, वेयर थीटा इन दिस केस इज 90 degree एंड आर इन दिस केस इज 25 meters. बस अब हम इस एरिया को निकाल देंगे. एरिया क्या है, 50 into 50 माइनस 4 into 90 upon 360 इंटू पाई, हमें 3.14 लेना है, रेडियस इज 25 into 25. कैलकुलेट करिए, 4 ones are 4 90s are, 90 से 90 कैंसिल, 2500 माइनस 25 25 625 इंटू 314, ये आपका आ जाएगा 5 4 20, 8 and 5 13 इंटू 15, 24 and 15 39 इंटू 41 42, 4 ये हो गया 6 and 6, 12 and 4 16, 16 18 119. तो कितने के बाद डेसिमल लगाना है, 2 के बाद. तो क्या आ गया, 1962.5. तो
इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2500 में से हटा दीजिए 1962.5, तो 0 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3, 4, 14 में से 9 गया 5, तो आंसर आपका कितना आ गया 537.50 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया दैट इज बीइंग लेफ्ट। हाँ सर, इसमें चार